उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है। आपको बता दें कि फरवरी में एक बार परीक्षा हुई थी 60,244 पदों के लिए, लेकिन पेपर लीक हो गया था और परीक्षा रद्द हो गई थी। अब एक बार फिर से अगस्त महीने में 23, 24, 25, 30 और 31, 5 दिन ये पेपर होना है। आज 24 अगस्त को जब परीक्षा शुरू हुई तो बिजनौर के एक स्कूल के सेंटर पर कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि पेपर जो बढ़ता है उसका सील खुला हुआ है। आपको बता दें कि जब पेपर आता है तो सीलबंद लिफाफे में होता है, उसे छात्रों के सामने खोला जाता है जो परीक्षा देने आए होते हैं। ये संतुष्ट कराने के लिए कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इस लिफाफे से पेपर बाहर नहीं गया है, छात्रों के सामने खोला जाता है। यहीं पर कुछ छात्रों ने ये दावा किया बिजनौर के केपीएस इंटर कॉलेज के छात्रों ने कि पेपर खुला हुआ है, सील खुला हुआ है, पेपर में जो सील लगता है वो खुला हुआ है, छात्रों ने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की। और पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद ये कहा कि पेपर डबल लेयर में पैक था, सीसीटीवी में भी चेक किया गया है, पेपर में उसके सील में कोई दिक्कत नहीं थी। जो स्पेसिफिक पेपर जो एक एक कैंडिडेट को मिलता है उसको भी सील किया जाता है, तो वो कुछ कैंडिडेट्स के पेपर में नहीं लगा हुआ था। सुनिए बिजनौर के पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। देखिए, केपीएस कन्या इंटर कॉलेज पे आज 24/8/2024 को फर्स्ट सिटिंग में दो छात्र क्रमशः, जिसमें से एक मेरठ का और एक गाजियाबाद का छात्र है, ये कॉन्स्टेबल्स रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर हुए थे और इन्होंने आके ये स्टेटमेंट दिया बाहर कि हमारा क्वेश्चन पेपर खुला हुआ था। इस पर तत्काल नोडल अधिकारी और संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जाकर मौके पर फुटेज चेक की गई। जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो प्रॉपर डबल सील में आए थे और ये फुटेज में मौजूद है एग्ज़ाम सेंटर की। जो इन्विजिलेटर है वहाँ पर वो उसे प्रॉपर सीजर्स से जो डबल लेयरिंग थी, जो डबल लिफाफे में वो बंद था, उसे ओपन कर रहे हैं। बाद में जब इसको डिटेल में चेक किया गया तो प्रत्येक क्वेश्चन पे इंडिविजुअल एक स्टिकर्स होता है जिससे कि वो सील किया हुआ रहता है, जो बेल बजने पर इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शंस पे कि अब आप अपना क्वेश्चंस आप अपना पेपर सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, उसके बाद ओपन किया जाता है, वो स्टिकर दो क्वेश्चन पेपर्स पर उपलब्ध नहीं थे। मे बी इट वॉज अ पैकेजिंग एरर, उस चीज़ को हमने अवगत करा दिया है भर्ती बोर्ड को और उस चीज़ को चेक कर रहे हैं। इस पॉइंट पे जब उन छात्रों ने इन्विजिलेटर को ये बात बताई है तो उसमें क्या करना चाहिए इसको लेकर 2-3 मिनट जो इन्विजिलेटर को समय लगा है और उसी वजह से जो है मेन इनमें जो है ये इशू इन्होंने कहा कि भाई क्वेश्चन पेपर जो है ओपन था। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर सील्ड थे, क्वेश्चन पेपर्स की कहीं पर जो है कस्टडी में कोई ब्रेक नहीं हुआ है और क्वेश्चन पेपर्स प्रॉपरली जो है निर्धारित जो प्रोसेस है उसी के अनुसार एग्जाम हॉल में दो छात्रों की मौजूदगी में उनके साइन से ओपन किया गया है और प्रॉपरली एग्जाम्स कंडक्ट किए गए। बिजनौर पुलिस ने दावा किया है कि इस मामले को जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसके जानकारी में दे दिया गया है, उनको अवगत करा दिया गया है इस पूरे मामले से। आगे जो भी कार्रवाई होगी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से इस पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हो रही है बिजनौर के अलावा मुरादाबाद के भी एक सेंटर से इस तरह की खबर आई। कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि पेपर की सील खुली हुई थी, हालांकि इसमें मुरादाबाद पुलिस ने कहा कि वो जाँच करेंगे, कार्रवाई करेंगे और अगर ये सूचना जो है ये भ्रामक पाई जाती है तो जो इस तरह के दावे कर रहे हैं, जो इस तरह के फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फरवरी में जब परीक्षा हुई थी तब पेपर लीक होने की वजह से योगी सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी, जिसके बाद अगस्त में हो रही परीक्षा में काफ़ी कड़ाई बरती जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा और ये सरकार के द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि नकल रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे मसले के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।